हो गई और अभी मैं उठी, अभी 9:30 ही हुए हैं। और ये विराट को देखो, सुबह होते ही नहा धो के तैयार हो गया और बोल रहा है कि मेरा एडमिशन करवाओ, एडमिशन करवाओ। पापा नहीं जा रहे इसका एडमिशन करवाने, तो रवि और अमन को ही तंग कर रहे हैं कि एडमिशन करवाओ। कहाँ जा रहे विराट तू? तो विराट का एडमिशन रवि करवाएगा क्योंकि पापा गए काम पे और पापा कल बात करके आ गए थे स्कूल में, तो अभी रवि जाएगा। बस बुक लेके आना है इसको। ये देखो एडमिशन की फीस भी मम्मी से मांग रही है। ये देखो मम्मी ने आज दिया है आलू की सब्जी और रोटी नाश्ते में। मम्मी बोली इसके बाद चाय बिस्कुट देंगी। विराट की बुक लेने जा रहे हैं। ये देखो घर कितना ज्यादा गंदा है, अभी मैं साफ कर रही इस घर को। अभी साफ करना पड़ेगा क्योंकि अगर मम्मी करेंगे तो मम्मी को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, तो आज मैं कर देती हूँ। वैसे तो नहीं करती बट बहुत दिनों बाद आज मेरा मन कर रहा है करने का। ये लेके आ गया अपनी बुक्स। ओ चट्टी भी मिला है? चट्टी नहीं मिला, कॉपी नहीं ले। कल से अब स्कूल जाना है बेटा, कल से स्कूल जाना है। मंडे से विराट, अब मंडे से स्कूल जाना है बाबू। वाह विराट, तू स्पेंड में इतना अच्छा लगेगा ना। विराट तू बहुत क्यूट लगेगा। वहाँ पे कोई लड़की को मत वो करियो, ठीक है? तेरी आदत बहुत गंदी है वैसे भी। गंदी नजर है तेरी, वो बिगड़ जाएगी। तो बस एडमिशन का ही शौक है कि पढ़ेगा भी? क्यों, किस चीज का? मजाक दिन में निकालेगा तो नर्सरी में गिरा के डाल दे। टेस्ट ग्रेड किसी स्कूल में तो टेस्ट क्लियर कर लिया कर। तो करा कहाँ? ये तो लड़की है, अब क्या होगा? तू तो लड़का है लेकिन ये बुक तो लड़की की है। लड़का लड़की क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये तेरे ऊपर होगा। क्या? मुझसे भारी मेरा बस्ता। अबे खड़ा बे, अभी क्यों पहना रहा है? चेक पे कर लूं, खड़ा टी-शर्ट को। स्कूल से ही ड्रेस भी दे दी। वाह डायरी भी दे दी है इसको। नर्स कौन सी क्लास में हुआ है? एलकेजी में। डायरी भी? बेस्ट फ्रेंड में मेरा नाम लिखियो, ठीक है? और मैं आपकी फोटो दूंगी वो जितनी। सोमवार से मंडे को हमारा पेपर है और तू स्कूल जाएगा। टाइमिंग क्या है? तक कुछ नहीं पूछ के आया, ऐसी बस ड्रेस और बुक लेके आ गया। विराट ये दादा है, ये दादी है, ये बड़ी मम्मी है, बड़े पापा है, ये टुक्की दीदी है, ये रवि भैया है। खड़ा हो। ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है। अरे नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा। शर्म आती है तुझे? आती नहीं है क्या? मुझे तो लगता था नहीं आती। अबे तेरी तो दिखाई दे रहा है। अभी बोल दी मम्मी कपड़ा धो देगी।
नहीं कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है। बेटा हाफ पैंट जो लग रहा है ना बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। लेना पड़ेगा इसका कि जूता भी स्कूल से ही देंगे। बेटा जूता नहीं दिया स्कूल से, सब कुछ दे दिया। सॉक्स भी तो नहीं दिया। तू आराम से बंद करियो याद है ना एक बार तेरे साथ क्या हुआ था। नहीं बैग तो तेरी मर्जी कोई सा भी लेके जा सकता है। आवाज तो छोटा भी संबंध है। भाई के लिए ये कहां नहीं चले मेरे को मस्त गधा लग रहा है। दिखा विराट गधा ना। विराट दिखाओ इसको कैसे कोई से लगता है। मैं इधर मुंह दिखा हट अब फोटो शूट करा दे। अबे ऐसे विराट अच्छे अच्छे पोजेस मार। नौ बुक दे रखा है इसको इतने छोटे बच्चे को उठा पा रहा है। झुक क्यों गया सीधा रहे ना ऐसे नहीं जाते सीधा जाते सीधा। ऐसा है बैग पैक कर दिया तो अब सीधा ऊपर लेके भाग रहा है। अब तो इसके पास तीन तीन बैग हो गए है ना विराट। पापा इसका यूकेजी में करवाना चाहते थे लेकिन टेस्ट ये करके ही नहीं आ पाया। एलकेजी मिल गया एलकेजी का भी नहीं कर पा रहा है। उन्होंने बोला है कि 15 दिन देखते हैं अगर नहीं हो पाएगा ना तो नर्सरी में कर देंगे इसको। इसके इतने एज के बच्चे करीब है वो यूकेजी में है और ये एलकेजी में ही। मेरा शर्म नहीं आ रही यूकेजी। अभी हम नहाने आ गए हैं और ये तो सूखता ही जा रही है वाला लीफ बीच से ही छेद हो गया। ये वाला भी खराब हो रहा है साइड साइड से। वाह ये घास तो बड़ा ही होता जा रहा है। और आज देखो आज तो पानी गिरा भी नहीं है लगता सूख गया एवेपोरेट हो गया। ये भर देती हूँ पानी इधर ना ग्रीन ग्रीन है पता नहीं क्या हो गया इसमें दिख रहा है ये देखो। गरम है आज तो इनके खाने के लिए मैं चावल भी लाई हूँ। एरा क्या धूप की वजह से खराब हो रही है उधर रख देंगे छाव में। आज लाए हम ये चावल है लेकिन इसमें चींटी लग गई धो देंगे। नहीं धोएंगे नहीं धोने से तो खराब हो जाएगा धूप में तो चली जाएगी चींटी। और ये देखो आज इसको धूप में ही छोड़ दिया आज किसी ने हटाया ही नहीं इसको। अच्छा प्लांट्स में पानी डाल दे आजा चावल रख रही है। बस छोड़ देना इतना खा लेंगे एक जगह बीच में रखना। प्लांट्स में पानी रख दे देखो वो धोया तो इसमें कितना मिट्टी रह गया। ज्यादा नहीं आंचल अब इस वाले घास वाले में रख दे ज्यादा खत्म। इसको सोच रहे कि बाथरूम में रख दे धूप भी जाती है बाथरूम में और छाव भी होती है। देखो धूप भी है छाव भी है।
ये देखो रख दिया हमने इधर, नहाते नहाते ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी। कितना ज्यादा बड़ा हो गया, ईटा रख दिया नीचे ताकि ना ज्यादा मिट्टी मिट्टी ना हो। नहाने बहुत ज्यादा ही धूप है और ना सर पे आज बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों, नींद नहीं पूरी इसलिए या फिर पता नहीं क्या रीजन हुआ होगा। नींद 10:30 बजे सबकी उठी है, 9 बजे उठी थी और 2 बजे सोई थी रात को, नींद नहीं आ रही थी लेट, तो नहा रही तो शायद हल्का लगे। नहा लिया मैंने और अभी मम्मी ने खाना दे दिया तो अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। आज मम्मी ने बनाया आलू की सब्जी, चावल, चोखा और दाल, तो अभी खा के फिर पढ़ाई करना है क्योंकि मंडे को फिजिक्स का पेपर है और मैंने 3 चैप्टर कर लिए और 3 और रह रहे हैं, शायद 3 या फिर 2, तो अब तैयार करना। डेरिवेशन ही इतनी है ना कि वही बहुत हार्ड लगता है, थ्योरी थ्योरी तो कर लिया मैंने, डेरिवेशंस बहुत हार्ड है। सबसे इजी डेरिवेशन ना जो भी है ना लास्ट में करवा वो लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेरिवेशन थी। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। अब वो स्कूल से आ गया और सबसे पहले इसकी बुक्स देख रहे हैं। कौन सी बुक है वो, इंग्लिश की है, राइम है, राइम। अब तो विराट भी मंडे से स्कूल जाएगा डब्बू भैया के साथ। ये देखो विराट को आज ना आंगनबाड़ी से की डिवॉर्मिंग की दवाई दी है। चबा के खाना होगा, देखूंगा तो। देख अभी नहीं, पानी लेके आ जा। इसको दवाई इतना पसंद है। अरे तू दवाई चला बाद लिया। विराट का स्कूल घुमाने का जरूरत ही नहीं है, देखने की भी नहीं, यहाँ पे पहले ही दिखे। कौन सा स्कूल खोला है मैंने? ले पहले चबाना है। पहले चबाना है? हाँ। एक घंटे। चबा दांत से तोड़। नहीं ऐसे ही। से इधर से चबा, इधर से चबा करते हो मैक्सिकन। हाँ सारा खा, इसने ना दांत से आधा आधा तोड़ लिया। अभी नहीं पहले चबा, चबा नहीं पहले चबा अच्छे से, अच्छे से और दिखा। वाह घुट जा इसको। मुझे जब स्कूल में ये दवाई मिली थी ना तब मैंने चबाया नहीं था क्योंकि दवाई चबाने के ना बेकार लगता है। ये देखो चबा के खा भी गया, इसको कुछ मत दवाई दे दो ये उसमें भी खुश हो जाता है। हाँ कैसा था? हाँ विराटी बताना, चबाने में कड़वा नहीं लगा, मीठा था? अच्छी है। चल बे, इसका जो प्रिंसिपल है ना अध्यापक साहब पहले जूता साफ करता था। तो क्या हो गया? बन तो गया था। हाँ अब अध्यापक भी बन गया। देख विराट भी बोलता था ना कि मैं अंडा बेचूंगा, लेकिन अब स्कूल जा रहा है कि नहीं जाएगा ना, है ना विराटी? ये देखो पढ़ाई लिखाई तो इसको करनी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तेरे लिए नहीं बोल रही, रवि भैया के लिए बोल रही हूँ। तो मेरी तरफ दिखा ली। ये देखो विराट का पैंट मिला, बहुत ही ज्यादा छोटा है ये, इतना क्यूट ही लगता था ना ये इसमें, अब तो होगा ही नहीं। जा तो चेंज कर ले। बदबू नहीं आएगी तब चेंज करेगा, और आएगी तो नहीं। ये अब सब कुछ दिखा रहा है उसको।
अब तू ही मोड़ के रखियो, मैंने इतनी मुश्किल से मोड़ा था। कितना अच्छा है ना इसका पैंट डब्बू। हाफ पैंट में तो वैसे भी विराट हीरो लगता है ना विराटी। हाँ बस मैं विराट की कॉपी पे नाम लिख रही हूँ, और देखो विराट ने अपना नाम खुद लिखा। मैंने उसको दिखाया कि ऐसे लिखना है, तो देखो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो उसने लिखा। पढ़ाई कर लिया मैंने, और पढ़ते पढ़ते मुझको ना नींद आ गई, नींद आ रही है। हाँ तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी तो 4 ही बजे है, तो अभी 1-2 घंटा है, तो नींद आई तो सो जाऊँगी, वरना ऐसे ही बैठी रहूँगी, टाइम पास कर लूँगी। और ये देखो पढ़ रहा है, ये भी मेरे साथ ही पढ़ने के लिए बैठा था 3 बजे से। मैं 1 घंटा पढ़ी और ये कर ही रहा, शायद इसको स्कूल से ज़्यादा काम मिला है। जा रही हूँ सोने में, नींद आ रही, कंट्रोल नहीं हो रहा। मम्मी भी सो रही है तो सो ही जाती गई। अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन, अभी 5:45 ही हुआ है भैया, 6:30 तक आते तो आराम से निकलूँगी। ट्यूशन से आ गई हूँ और अभी मैं मैथ्स का रिवाइज करूँ जब तक खाना नहीं बन रहा, क्योंकि ना डेट शीट ऐसे बना रखे है, हमारे 3 दिन लगातार पेपर है, तो मैथ्स का रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। पहला है फिजिक्स, उसके अगले दिन ही फिजिकल एजुकेशन, और उसके अगले दिन मैथ्स। एक भी छुट्टी नहीं दे रखी, पता नहीं कैसे डेट शीट बनाते हैं, इनको डेट शीट बनाने ही नहीं आता। ट्राई कर रही थी लेकिन फिर मम्मी खाना लेके आ गया। आज देखो मम्मी ने क्या बनाया, बैगन की सब्जी, चटनी और आलू की भुजिया। तो अभी मैं खाना खा के फिर पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। और अभी मैं पढ़ाई फिर से मैंने कंटिन्यू कर दी है। अभी 10 ही बजे, 11 बजे सो जाऊंगी, नींद भी आ रही है। मैंने अब मैं जा रही सोने, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।